हाय फ्रेंड्स, मैं निखिल रमन राजपाल राजपाल सरल अकेडमी की तरफ से आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूं। ये मैसेज स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे प्लेसेस पे लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, ऑलमोस्ट अब पूरे कंट्री पे लॉकडाउन अनाउंस किया जा चुका है। तो इसके वजह से हमारी ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल जो डेली लाइफ है वो तो अफेक्ट हो ही गई है, बट स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे, स्टूडेंट्स के स्टडीज़ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लाइब्रेरीज भी बंद हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है। लाइब्रेरीज बंद के वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो गए हैं, थोड़ा स्ट्रेस में आ गए हैं कि उनके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे होगी। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं लॉकडाउन वगैरह के, वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल हैं, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, तो हम लोग उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें वो भी अच्छे से फॉलो करने हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ और हमारे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। बट हमारा करियर, हमारी स्टडीज़ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग घर पे बैठकर ही अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें। मैं जानता हूँ कि आपकी स्टडीज़ को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, बट हमारे पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोगों को इस सिचुएशन में, इसी पोजीशन में अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। प्रोफेशनल कोर्सेज जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स CA, CS या CMA, उनके एग्ज़ाम्स के पोस्टपोनमेंट का अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ रीजनेबल कम्युनिकेशन आपके इंस्टीट्यूट्स से भी आ जाएगा, बट तब तक जो ओरिजिनल टाइम टेबल अनाउंस किया गया है उसे ही फॉलो करके अपना स्टडी का शेड्यूल बनाना पड़ेगा और हम लोगों को उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आगे चल के हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए भी, तो जो एक्स्ट्रा हम लोगों को टाइम मिल जाएगा, हम लोग उसे बोनस टाइम ट्रीट करेंगे और उसमें आप अपना एक एक्स्ट्रा रिविजन प्लान कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आपको ओरिजिनल टाइम टेबल को ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो गए हैं, बट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन अभी तक नहीं हुए हैं। तो आपको दोनों की स्टडीज़ को बैलेंस करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में टाइम गैप बहुत कम हो। तो आपको अभी ही नोट्स रेडी करने पड़ेंगे और अपने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है उसको वाइसली प्लान करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सोशल मीडिया या रूमर्स को इग्नोर करना है। पैनिक नहीं होके आपको ऑन द अदर हैंड अपने स्टडीज़ के शेड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अभी आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप ऐसे समझिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए, घर बैठ के ही आपको अब प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को भी अपील करता हूँ कि अगर आपके घर पे कोई भी स्टूडेंट है जो किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसे घर पे एक स्टडीज़ का माहौल दें, उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है कि उनकी लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं जहाँ पर वो प्रिपेयर करते थे। अब उन लोगों को भी घर पर बैठ कर ही प्रिपेयर करना है। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि आप पैनिक मत होइए और घर पे ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सिर्फ अपने स्टडीज़ को आप अच्छे से प्लान कीजिए, अपने शेड्यूल को वाइसली प्लान कीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि पैनिक होने की, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आपको जस्ट अच्छी प्लानिंग चाहिए, वाइस प्लानिंग चाहिए। तो मैं जनरल पब्लिक को भी ये अपील करता हूँ कि घर से बाहर मत निकलिए। जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ है उसे हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ही बेनिफिट के लिए है, हमारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए है, हमारे फैमिली के हेल्थ के बेनिफिट के लिए है। हम सब लोगों को मिलकर ही इस कोरोना वायरस से लड़ना है और इसका हमारे कंट्री पे कम से कम इम्पैक्ट हो, ये ही ट्राई करना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।